RRR, KGF, पुष्पा, मास्टर, सूर्यवंशी, पठान और वॉर। अगर आपसे पूछा जाए इन सारी फिल्मों में सबसे कॉमन थ्रेड क्या है तो आप बोलेंगे सारी की सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज हैं। लेकिन एक थ्रेड और है जिस मूवी को कनेक्ट करता है और वो है दो सुपरस्टार्स का एक फ्रेम में आना और एक्शन का जबरदस्त डोज देकर जाना। जी हाँ, अगर आप 90s के केडन तो आपको याद होगा उस दौर में बहुत सारी फिल्में बनती थी जहां पर दो एक्टर्स काम करते थे। बट 90s के बाद जैसे जैसे शाहरुख खान का दौर आया सोलो फिल्में चालू हो गई और एक्टर्स एक साथ काम करने से यानी मल्टी स्टार फिल्मों से काम करने से बचने लग गए। जबकि पब्लिक को मजा उसी दौर में आता था जब मोहरा निकलती थी, राम लखन निकलती थी, तू चोर मैं सिपाही निकलती थी। लेकिन आज मामला फिर से उसी हिस्ट्री को रिपीट कर रहा है और ये सारी फिल्में उसी हिस्ट्री को दिखाती हैं कि पब्लिक को हमेशा वही पसंद आता है जो ओल्ड होता है, जो गोल्ड होता है। पठान में भी यही हुआ, जब करण अर्जुन एक साथ वापस आए तो लोगों को बहुत मजा आया, सीटियां तालियां दोनों मिली। तो वही दौर एक बार फिर से वापस आ रहा हो तो क्यों ना एक मूवी रिवाइव की जाए जो कि बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो सकती थी लेकिन किसी वजह से पोस्टपोन हो गई। उसमें एक्टर भी वो थे जो 90s में सबसे बड़े एक्शन हीरो माने जाते थे, एक है अजय देवगन, दूसरे अक्षय कुमार। इन दोनों को लेकर 2005 में राजकुमार संतोषी ने एक मूवी अनाउंस की थी, नाम था सामना। उससे पहले खाकी बन चुकी थी, इंसान बन चुकी थी और दोनों की जोड़ी को पब्लिक बहुत पसंद कर रही थी। हालांकि इससे पहले वो सुहाग में काम कर चुके थे लेकिन खाकी के बाद दोनों की प्रॉपर्टी हॉट हो गई थी और संतोषी जिस तरह की फिल्में बनाते हैं वहां पर इन दोनों की कास्टिंग बहुत ही जबरदस्त शॉट था। प्लस बोनांजा ये था कि इसमें नाना पाटेकर भी थे और ऐश्वर्या राय बच्चन भी शामिल थी, यानी मूवी एंटी करप्शन सब्जेक्ट पर बनने वाली थी लेकिन बहुत बड़ा एक्शन मसाला होने वाला था। क्योंकि अगर आप संतोषी की फिल्मों की फिल्मोग्राफी देखेंगे तो वहां पर घायल है, घातक है, दामनी है, चाइना गेट है, खाकी है, लेजेंड ऑफ भगत सिंह है, बहुत सारी एक्शन मूवीज है और कॉमेडी मूवीज तो है, अंदाज अपना अपना है, फटा पोस्टर निकला हीरो है, लज्जा भी बनी थी। बहरहाल ये हर तरह की फिल्में बनाने में माहिर है लेकिन जब इनको अक्षय अजय मिलते हैं तो मूवी बहुत ही क्लासिक बनकर आती है। तो यहाँ पर सामना किसी वजह से पोस्टपोन हो गई, हालांकि 2005 में बाकायदा मूवी शॉट हुआ था, आप फोटो भी देख रहे होंगे। अक्षय कुमार चंडीगढ़ में किसी और मूवी में बिजी थे तो मुहूर्त में नहीं आ पाए थे लेकिन अजय देवगन, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय आए थे। तब अजय और नाना अपहरण मूवी कर रहे थे, उधर ऐश्वर्या राय धूम 2 के बाद वापसी कर रही थी, अक्षय तो ऑलरेडी अजय के साथ थे ही। तो सामना मूवी आज भी मौजूद है बिकॉज का करप्शन का जो इशू है आज भी रेफरेंस के लायक है और संतोषी भी वापस रेफरेंस में आ गए हैं बिकॉज उनके अंदाज अपना अपना 2 की बात चल रही है। गांधी वर्सेस गोडसे ऑलरेडी आ चुकी, क्रिटिकली अक्लेम्ड हुई है और संतोषी फिर से एक्टिव हो रहे हैं, आमिर खान को लेकर भी मीटिंग करते रहते हैं। तो अगर संतोषी फिर से एक्टिव है, अक्षय अजय ऑलरेडी कॉप यूनिवर्स का पार्ट बन चुके हैं, नाना पाटेकर भी मराठी फिल्मों में अच्छा काम कर रहे हैं और ऐश्वर्या राय भी वापस आना चाहती हैं, तो क्यों ना फिर इस ड्रीम कास्ट को वापस से एक साथ लाया जाए और पब्लिक का एंटरटेनमेंट से सामना कराया जाए बिकॉज ऐसे सब्जेक्ट ऐसी कास्ट बार बार नहीं मिलती। उम्मीद करते हैं संतोषी साहब पब्लिक की डिमांड को समझेंगे और सामना को पब्लिक के सामने लाएंगे। दोस्तों चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए इस मूवी को लेकर आपका एक्साइटमेंट लेवल किस हद तक है।